हेलो एवरीवन, मैं श्रीधर मिश्रा फ्रॉम स्कूल ऑफ बैंकिंग सिलपुखुरी गुवाहाटी। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, चाहे वो बैंक का हो, SSC का हो, कैट में कोई भी एग्जाम दो, ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं, प्लस इसका एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर्स में मिलता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, इवन DI का तो ये हार्ट है। तो इसलिए अर्थमेटिक का अराउंड 70% ऑफ द चैप्टर्स जो होते हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड होते हैं। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट सीखना आपको बहुत ही जरूरी है। और मैं जो है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा और आपको टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस इसके क्वेश्चंस को 10 टू 15 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, वो सारा तरीका हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो आज हम रेशियो पढ़ेंगे वो एक कंप्लीट चैप्टर है, कोई एक पोर्शन लेके नहीं पढ़ेंगे, पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। और इसके ये क्लास करने के बाद इतना मेरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है वो दोबारा आपके पास नहीं आने वाला। ये रेशियो का जो चैप्टर है इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो कि बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, सेकेंड मिक्स्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज, एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑन एजेस। ये जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IBPS PU 2000 मेंस में 2 क्वेश्चन यहाँ से आया था। और अगर आप इसको अच्छे से समझ पाओ, रेशियो और परसेंटेज, जैसा मैं बोलता रहता हूँ कि ये एक अनरियल डेटा है, अगर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका टोटल लिए बिना आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो। तो ये रेशियो क्या होता है? रेशियो हम लोग यूज करते हैं जब किसी भी दो सिमिलर थीम को हम लोग को कंपेयर करना होता है, तो हम वहां पे रेशियो यूज करते हैं। जैसे मान लो आप और आपके फ्रेंड के सैलरी के बीच का कंपैरिजन करना है कि कौन कितना ज्यादा कमाता है, तो हम लोग वहां पे रेशियो यूज करते हैं। या फिर किसी भी दो प्रोडक्ट का प्राइस के बीच में अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो हम लोग वहां पे रेशियो यूज करते हैं। और रेशियो फाइंड कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक सिंपल से एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि मान लो दो नंबर है 20 और 25 और मुझे इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म होता है अगर आप उसको इलिमिनेट कर दोगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, उसका रेशियो मिल जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5 और इस 25 को लिखा जा सकता है 5 × 5। तो आप देख लो कि जो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, यहाँ पे 5 है। तो जब हम इसका रेशियो निकाल रहे होंगे तो क्या होगा, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे रेशियो क्या मिलेगा इसका, 4:5। मतलब क्या है, अगर हम कॉमन टर्म को इलिमिनेट कर दें तो मुझे क्या मिल जाता है, रेशियो मिल जाता है। सिमिलरली हम लोग को एक बात और समझ के रखना चाहिए, जैसे मान लो अगर आपको ये रेशियो दिया हुआ है और इस रेशियो से आपको वैल्यूज निकालना है तो आप क्या करोगे, सिमिलरली आपको क्या करना होगा, कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देना होगा। जैसे मान लो कल के डेट में अगर ऐसा बोले कि ये ए है और ये बी है, ए का वैल्यू आपको 24 दे के रखा है और आपसे पूछ रहे हैं कि बी का वैल्यू आप बताइए क्या होगा, तो मुझे एक चीज पता है कि रेशियो कैसे मिला होगा, मुझे कॉमन टर्म को इलिमिनेट करके मिला होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखेंगे ये 4 जो है, 4 का ये 24 कितने टाइम्स है, तो आप देखोगे ये 6 टाइम्स है। तो सिंपली इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कॉमन वैल्यू को इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसमें भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से मुझे इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 30। इस तरह से हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन से हम लोग कितना बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ बहुत ही इजीली बना सकते हैं। जैसे रेशियो में एक सिंपल सा ये क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था, यहाँ पे बोला था कि इन रेशियो इक्वल टू 5:7 इफ एंटीसीडेंट इज 45 फाइंड कॉन्सिक्वेंस। तो होता यह है कि बहुत लोग रेशियो का चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है वही उनको पता नहीं होता है। और क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उस बेसिक लेवल से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी जानना चाहिए, जैसे मान लो अगर हम इस एक रेशियो का बात करते हैं जो कि A:B है, तो इसका ये जो पहला टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, और ये जो दूसरा वाला टर्म है ये क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो का वैल्यू देके रखा है 5:7 और इस 5:7 में आपको जो पहला वाला एंटीसीडेंट है उसका वैल्यू 45 देके रखा है। तो आप सिंपली यहाँ पे देखोगे ये इसका कितना टाइम्स है, तो ये देखोगे आप यहाँ पे ये 9 टाइम्स है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी ये क्या हो जाएगा, सिंपली 9 टाइम्स करने से ही आपको मिल जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63। तो इस तरह से आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी का नॉलेज भी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लो यहाँ पे
एक रेशियो देके रखा है एज टू बी इक्वल टू 3:7। तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस रिलेटेड आते हैं, तो नॉर्मली हमको कुछ चीजें यहाँ से समझना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे ए का वैल्यू आपको क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो कभी भी अगर उनसे ए से रिलेटेड कोई भी वैल्यू का बात करें, जैसे हम लोग मैंने यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ ए, तो आप एक चीज वहां से समझ जाओगे कि जो भी वैल्यू ऑफ ए होगा वो क्या होगा, किसका मल्टीपल होगा। अगर इसका रेशियो में इसका वैल्यू 3 देके रखा है तो वो 3 का मल्टीपल होगा। और अगर आपको वैल्यू का बात करता है बी का वैल्यू बताओ, तो आप एक चीज याद रखना कि जो भी बी का वैल्यू होगा वो अगर बी का वैल्यू यहाँ पे 7 देके रखा है तो आपको 7 का मल्टीपल मिलेगा। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू सम, तो इन दोनों रेशियो का सम कितना हो जाएगा, अगर हम इसका सम करें तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका सम हो जाएगा 10। इसका मतलब जो भी सम होगा वो किसका मल्टीपल होगा, वो 10 का मल्टीपल होगा। और अगर हम डिफरेंस का बात करें तो आप देखो कि रेशियो का डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 4 का है। इसका मतलब जो भी इसका डिफरेंस होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो एग्जाम में कभी कभी सिंपल सा कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लो आपको दे दिया रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:7 और यहाँ पे बोल दिया कि ए का वैल्यू है 15 और आपसे बोल रहे हैं कि इसका सम कितना होगा, सम ऑफ द नंबर बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखेंगे ए का वैल्यू यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना देके रखा है, यहाँ पे 3 देके रखा है और यहाँ पे वैल्यू दिया है 15 जो कि कितना टाइम्स है इसका, 5 टाइम्स है। इसका मतलब मेरे को दूसरे वैल्यू निकालने का दरकार नहीं, हम लोग डायरेक्टली उसका सम फाइंड करेंगे। सम कितना है यहाँ पे 10 है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, जो कि कितना हो जाएगा 50। और अगर आपसे इनकेस डिफरेंस पूछता है तो आप इसका इसको भी क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको इसका वैल्यू कितना मिलेगा 20। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग जस्ट अभी मैं आपको जस्ट एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे, जिसका यूज हम लोग थोड़ी देर बाद करने वाले हैं, कि ए का जो भी वैल्यू मैं निकालूंगा वो किसका मल्टीपल मिलेगा, मुझे कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल मिलेगा। बी का वैल्यू जो भी मिलने वाला है वो 7 का मल्टीपल मिलने वाला है, और उसका सम वो जो भी होगा वो 10 का ही मल्टीपल मिलेगा चाहे आप जो भी निकालो, और उसका डिफरेंस जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा चाहे जो भी आप वैल्यू उसका फाइंड करो। इसका एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन में है जो कि मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जिससे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। जैसे मान लेते कोई एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 देखे रखा है, और वहां पे अगर मुझे ये पता चल जाए, 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से बहुत ही अच्छा एक कंक्लूजन निकालेंगे। मान लेते हैं अगर वहां पे टोटल 9 स्टूडेंट पास हुआ, इसका मतलब फेल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो यहाँ से आपको रेशियो इसका मिल रहा है 3:1, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो आपको ऐसा कुछ बोलता है कि चलो अगर यहाँ पे 2 स्टूडेंट ज्यादा पास होता, तो अगर 2 ज्यादा पास होता मतलब पहले तो 9 पास हो रहा था, अभी कितना पास होने वाला है, अभी 11 पास होने वाला है, इसका मतलब फेल कितना होगा 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, अभी भी यहाँ पे क्या है मेरा 12 है। तो अगर इसका आप रेशियो निकालोगे तो यहाँ से आपको मिलने वाला है ये 11:1। थर्ड अगर हम केस ऐसा लेते हैं कि जिसमें पास स्टूडेंट 6 है, तो इसका मतलब फेल भी कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ से मुझे अगर हम रेशियो निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 1:1। तो यहाँ से कंक्लूजन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे टोटल को कोई चेंजेस नहीं किया, टोटल यहाँ अभी भी 12 है, तो हो सकता है कि पास और फेल का नंबर्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे रेशियो भी सबका चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज फिक्स्ड है, वो चीज आप समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो अगर हम इसका इस रेशियो का अगर हम सम निकालेंगे तो इसका सम कितना होगा, इसका सम है 4, और ये जो 4 है जो टोटल नंबर आप देख रहे हो क्या है 12, जो कि 4 का मल्टीपल मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर आप इसका भी सम निकालो तो आपको क्या मिल रहा है 12, इसका मतलब ये है कि ये जो 12 है देखो इस 12 का भी मल्टीपल है, और यहाँ पे रेशियो आपको मिल रहा है 2, तो इसका सम भी जो है वो किसका मल्टीपल है यहाँ पे वो 12 से कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक फिक्स नंबर है उसको हम लोग किसी भी रेशियो में क्यों ना डिवाइड करें, जो रेशियो का जो सम होगा उससे वो नंबर ऑलवेज डिविजिबल जाएगा। और इसी से एसएससी और बैंकिंग में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके इस कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूँ, ये छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम का है, उसको हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर को आप किसी भी रेशियो में डिवाइड करो, उस रेशियो का जो सम होगा उससे वो नंबर क्या होगा डिविजिबल जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि रुपीज 12 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी। तो 12 को डिवाइड करना है ए और बी में, तो आपको एक चीज सिंपली पता है कि ए और बी का जो भी रेशियो होगा उसके सम से क्या होना चाहिए 12 डिविजिबल जाना चाहिए, तभी वो उसका रेशियो होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों का सम कितना है 7, 7 से तो ये 12 डिविजिबल जाता नहीं है, इसका मतलब क्या ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। अगर आप सेकंड वाले रेशियो का सम करोगे तो आपको 9 मिल रहा है, 9 से भी ये 12 डिविजिबल नहीं जाता है, तो ये भी इसका रेशियो नहीं होगा। अगर ये थर्ड वाला देख रहे हैं तो इसका सम कितना है 4 है, 4 से ये 12 जाता है, इसका मतलब यही इसका आंसर होगा।
और ये इसका आंसर है। सिमिलरली एक क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा था, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, द होल नंबर हुज सम इज 84 कैन नॉट बी इन द रेशियो ऑफ, मतलब एक सम है 84 उसको डिवाइड किया जा रहा है, तो आपसे बोल रहा है इसमें से कौन सा वो रेशियो है जिसका सम ये 84 नहीं हो सकता है। तो आपको पता है रेशियो का सम जो भी होगा उससे ये 84 डिविजिबल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कैन नॉट। तो अगर हम लोग इसमें ऑप्शन का अगर हेल्प ले तो ये 9 प्लस 3 कितना होता है, ये 12 होता है, और 12 से तो 84 डिविजिबल जाता है, इसका मतलब ये सम हो सकता है, लेकिन मुझसे पूछा है कैन नॉट, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर आप इस रेशियो का सम का बात करो तो इसका सम कितना हो गया, 19 प्लस 2 कितना होता है 21, 21 से भी क्या हो रहा है ये 84 डिविजिबल जाता है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। सिमिलरली इसका भी सम क्या हो रहा है 21, उससे भी 84 डिविजिबल जाता है, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर होगा कौन सा, ये, क्योंकि देखो इसका अगर आप सम करोगे तो कितना मिल रहा है आपको 8 मिल रहा है, और इस 8 से ये 84 नहीं कटता है, फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इस टाइप के मैं आपको दो तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रेशियो, तो उस केस में हम लोग सिंपली देखेंगे कौन से रेशियो के सम से वो टोटल नंबर डिविजिबल जाता है, और अगर आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो, तो सिंपली आपको देखना है कि कौन से रेशियो के सम से वो नंबर क्या होता है डिविजिबल नहीं जाता है। और हम लोग एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा देखेंगे, इसी भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको बोला है पैकेट कंटेन अ डॉजन ऑफ मिरर, डॉजन का मतलब क्या होता है 12 मिरर है, उसको ड्रॉप किया, तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन टू अनब्रोकन। तो वही चीज है, आपको यहाँ पे कैन नॉट बोला है, तो सिंपली आपको देखना है कि कौन से रेशियो के सम से ये 12 डिविजिबल नहीं जाएगा। तो सिंपली हम लोग देख रहे हैं इसका सम कितना है 4 से तो वो डिविजिबल जा रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। अगर आप इसको देखोगे तो इसका सम कितना हो रहा है 3 से भी ये 12 डिविजिबल जा रहा है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसका सम देख रहे हो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 7 से क्या हो रहा है ये 12 डिविजिबल नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा ये 6:1 होगा। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि आपको दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कैन बी रेशियो या फिर बोलेगा कैन नॉट बी रेशियो। तो अगर आपसे बोलता है कैन बी रेशियो तो आप देखोगे कि किसके सम ऑफ द रेशियो से सम ऑफ रेशियो से वो जो भी वैल्यू होगा वो डिविजिबल जाएगा, और अगर आपसे पूछता है कैन नॉट बी द रेशियो तो सिंपली आप देखोगे कि कौन से सम ऑफ रेशियो से वो वैल्यू क्या हो रहा है डिविजिबल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ते हैं हम लोग एसएससी का और एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है एसएससी टायर 2 2016 में पूछा था, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अमॉन्ग 132 एग्जामिनी ऑफ सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट इज 9:2, हैड 4 मोर स्टूडेंट पास द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल वुड हैव बीन, और आपको ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो नॉर्मली देखो ये क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो हमारे माइंड में क्या होता है और बहुत लोग इसको किस तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 132, तो ये टोटल 132 और इसमें पास सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इसका रेशियो दिया हुआ है, तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो क्या दिया हुआ है 9:2। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, ट्राई करते हो कि चलो एक काम करते हैं, फाइंड कर लेते हैं कितना सक्सेसफुल रहा और कितना अनसक्सेसफुल रहा। तो उसके लिए आप क्या देखोगे, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 11 पार्ट, और इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे देख के रखा है 132, तो आप देखोगे कि ये कितना टाइम से इसका, या फिर आप वन पार्ट का वैल्यू निकालने का कोशिश करोगे, वन पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 132 डिवाइडेड बाई 11, तो ये जाएगा 12 टाइम्स। तो यहां से अगर आप सक्सेसफुल का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप 9 का वैल्यू निकालोगे, 9 पार्ट कितना हो जाएगा 12 × 9, जो कि इसका वैल्यू आएगा 108, यहां पर मैं लिख रहा हूँ सक्सेसफुल का वैल्यू आया 108। और अगर आप अनसक्सेसफुल का निकालना चाहते हो तो आप 2 पार्ट का वैल्यू निकालोगे, 2 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 × 2, जो कि कितना हो गया इसका वैल्यू 24, तो आपको इसका वैल्यू मिल गया 24। अभी ये वैल्यू निकालने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि हैड 4 मोर स्टूडेंट पास, मतलब 4 और पास होता, तो जो यहाँ पे टोटल नंबर को तो चेंज कर नहीं रहा है, तो अगर ये 4 पास हो, अगर ज्यादा पास होता है इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो फेल जो 4 था वही ट्रांसफर कहाँ पे हो गया, ये सक्सेसफुल पास वाले में ट्रांसफर हो गया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहले 24 था, तो आप इसमें से 4 माइनस कर दोगे मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 20, और 4 ज्यादा पास हो गया मतलब इसमें हम लोग 4 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 112, और उसके बाद आप इसका रेशियो निकालना स्टार्ट करोगे, तो ये हो गया 112
और यहाँ पे हो गया 20, अगर आप इसको 4 से कैंसिलेशन कर दोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 और यहाँ पे मिलेगा 28, मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन देखो इतना कुछ बनाने का दरकार ही नहीं था, मैंने रेशियो का जस्ट एक बेसिक सा आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जो मैंने पहला एक एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर 12 स्टूडेंट है उसमें मैंने 3 केसेस आपको बताया था, तो वहां पे हम लोगों ने क्या सीखा था कि नंबर ऑफ पास और फेल भले ही डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, लेकिन जो पास अगर मैंने टोटल को चेंज नहीं किया, जैसे यहाँ पे टोटल 132 है, इस पे तो कोई भी फर्क नहीं लेके आ रहा है, तो अगर आप टोटल को चेंज नहीं करोगे तो जो भी पास फेल का जो सम होगा उससे भी क्या होगा, वो 132 मल्टीपल होगा, और जो नया वाला जो रेशियो बनेगा उससे भी क्या होना है, ये 132 मल्टीपल होना है। तो सिंपली आपको इसके लिए कुछ नहीं करना था, जस्ट आपको ऑप्शन देखना था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसके सम से ये 132 क्या हो रहा है, डिविजिबल जा रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका सम कितना हो रहा है, इसका सम 17 हो रहा है, 17 से तो ये कटता नहीं है, इसका मतलब ये आपका आंसर होगा नहीं। अगर आप इसका सम देख रहे हो तो इसका सम 19 आ रहा है, 19 से भी ये क्या होता है 132 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अगर आप इसका बात करोगे तो 28 प्लस 3 कितना होता है, 31 होता है, 31 से भी ये नहीं जाता है। लेकिन जब आप इसका सम करोगे तो कितना होगा, इसका सम होगा 33, और 33 का अगर हम 4 टाइम करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 132 मिलता है। इसका मतलब 32 का ये 33 का ये एग्जैक्ट मल्टीपल है, इसका मतलब जो आपका आंसर होगा कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, उसी के हेल्प से मैं आपको बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा जिसमें कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दरकार ही नहीं, जस्ट अगर आप थोड़ा सा चीज समझ पाओ कि अगर जो भी रेशियो जैसे ए और बी का दिया है 3:7, ए का जो भी वैल्यू होगा 3 का मल्टीपल, बी का जो भी वैल्यू होगा 7 का मल्टीपल, सम जो भी होगा वो 10 का मल्टीपल, इस तरीके से जस्ट एक छोटे से कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है एसएससी 2016 मेंस में, ये भी पूछा था, यहाँ पे आपको बोला इन्हें रेजिमेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर्स वाज 3:31 बिफोर बैटल, इन अ बैटल 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर वेयर किल्ड एंड रेशियो बिकम 1:13, फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसर इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल वॉज। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब मैं आपको थोड़ा रेशियो पढ़ा लूंगा, लेकिन अभी जो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया उसी के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर वॉज 3:13, तो ये देखते ही आपके माइंड में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि जो भी नंबर ऑफ ऑफिसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, वो 3 का मल्टीपल होगा, और जो भी नंबर ऑफ सोल्जर्स का अगर हम बात करते हैं तो वो 31 का मल्टीपल होगा, और अगर आप दोनों का कंबाइन करके अगर पूछ देता तो वो 34 का मल्टीपल, ये तो कॉमन सेंस की बात थी। उसके बाद यहाँ पे बीच में जो भी ये स्टेटमेंट दे के रखा है, हम लोग फाइनली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फाइनली मुझसे पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसर इन द रेजिमेंट बिफोर द बैटल वॉज, और मुझे पता है कि नंबर ऑफ ऑफिसर बिफोर बैटल कितना है, यहाँ पे रेशियो में 3 है, इसका मतलब उसका जो आंसर होगा क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। सिंपली हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल था, और एक ही ऑप्शन दिया हुआ था विच इज ऑप्शन नंबर 3, तो यही आपका आंसर होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको बनाने का तरीका तो हम लोग बाद में सीखते हैं, लेकिन जस्ट थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा बेसिक आइडियाज अगर आप डेवलप कर लो बहुत सारे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिंपली बोला है कि इन एन एग्जाम नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वेयर इन द रेशियो ऑफ 25:4, इफ 5 मोर हैड अपीयर एंड नंबर ऑफ फेल्योर वाज 2 लेस देन अर्लियर, रेशियो पास टू फेल वुड हैव बीन 22:3, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका तो बहुत सारा आप लोग जानते हो, लेकिन मैं अभी जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया उसी से इसको बनाया जा सकता है। कैसे, देखो आप जब शुरू में ये पढ़ोगे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ दोज हु पास एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वेयर इन द रेशियो ऑफ हाउ मच 25:4, तो आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए कि जो भी पास होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 25 का मल्टीपल होगा, जो भी फेल होगा वो किसका मल्टीपल होगा, वो 4 का मल्टीपल होगा, और जो भी नंबर ऑफ अपीयर का अगर हम बात करते हैं तो जो भी नंबर ऑफ अपीयर होगा क्या होगा, इसका सम कितना होगा, 29, वो 29 का मल्टीपल होना चाहिए। सिंपली हम लोग ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिंपली हम देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन मेरा दिया है जो कि 29 का मल्टीपल है, और यहाँ पे जो पहला वाला जो ऑप्शन दिया था वही देख रहे हो क्या है, 29 का मल्टीपल है, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन 29 का मल्टीपल नहीं था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 145 हो जाएगा। इसको बनाना कैसे है थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन जैसे CHSL में पूछा गया था, जैसे यहाँ पे देखो आपको बोला है कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज इज 5:3, इफ 50 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज रेशियो बिकम 9:7, आपसे बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। तो देखो रेशियो एक ऐसा मेथड है जो कि आपको हेल्प करता है ऑप्शन एलिमिनेशन में, अगर आप वो सीख जाओ कोई मेथड का दरकार नहीं है।
जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है ऑप्शन इलिमिनेशन के लिए, लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना होगा कि फाइनली आपसे क्या पूछा गया है। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फाइनली मुझसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। तो मेरा पूरा फोकस बॉयज के ऊपर ही होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे शुरू में क्या था, बोला था कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। मुझे बॉयज चाहिए तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा था कि बॉयज का जो भी नंबर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, वो 5 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ऑप्शन की तरफ देख लेंगे कितना ऑप्शन 5 का मल्टीपल है। तो हम लोग जब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारा का सारा ऑप्शन भी जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो खैर इससे मुझे कुछ नहीं मिला, तो हम लोग दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि 50 बॉयज लीव द कॉलेज द रेशियो बिकम 9:7। इसका मतलब ये है कि अगर 50 बॉयज चला जाता है तो बॉयज का वैल्यू किसका मल्टीपल हो जाना चाहिए, वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 50 माइनस करने स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ से 50 माइनस करो, आपको क्या मिलेगा, ये 250। ये 259 का मल्टीपल है या नहीं है, ये ऑब्वियसली नहीं है। कैसे पता करते हो आप 9 का मल्टीपल, सिंपली चेक कर सकते हो सम ऑफ द डिजिट क्या होना चाहिए, वो 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे तो सम ऑफ द डिजिट 7 है, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरे वाले में जब हम 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 350। ये 9 से जाता है नहीं, सम 8 है, नहीं जाएगा। अगर हम लोग थर्ड वाले में से 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, 450, जो कि क्या होता है 9 से जाता है, इसका मतलब यही मेरा आंसर होना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो लास्ट वाला भी चेक कर सकते हो, इसमें से अगर आप 50 माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, 550, जो कि 9 से नहीं जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा है, सी। तो इस तरह से देखो रेशियो का जो हेल्प है वो बहुत ही अच्छा होता है ऑप्शन इलिमिनेट करने में। तो जस्ट मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना चैप्टर्स जाने हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चैप्टर्स में मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जैसे एक एज का प्रॉब्लम ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे बोला है 4 ईयर एगो रेशियो ऑफ एज एज टू बीस एज वॉज 11:4। तो यहाँ से पढ़ के मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि ए का जो भी एज होगा वो 4 साल के पहले किसका मल्टीपल होगा, 11 का होगा, और बी का जो भी एज होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। उसके बाद और भी कुछ बोला है, 4 ईयर लेटर देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ 13:16। मतलब ए का जो भी एज होगा 4 साल के बाद वो 13 का मल्टीपल, और बी का जो भी एज होगा वो क्या होगा, 16 का मल्टीपल। अभी हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए, मतलब मुझे ए का प्रेजेंट एज बताना है, तो मेरा फोकस ए पे ही रहना चाहिए। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग, आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ ए, इसका मतलब जो भी यहाँ पे ऑप्शन देके रखा है सारा का सारा क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ ए होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे रेशियो दिया है वो क्या बोल रहा है कि 4 साल के पहले 4 ईयर एगो ए का जो भी एज होगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ये प्रेजेंट एज दिया है, 4 साल का एज, पहले का एज कैसे मिलेगा, 4 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे एक बार 4 माइनस करते हैं, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो मुझे मिल रहा है 44, ये 11 का मल्टीपल है, ठीक है। इसमें से भी एक बार 4 माइनस करते हैं, ये कितना होगा, 22, ये भी 11 का मल्टीपल है। यहाँ से 4 माइनस करोगे तो क्या होगा, ये मिलेगा आपको 40, ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। इसमें से अगर आप 4 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 24, ये भी क्या होगा, 11 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो जस्ट आपको ये पहले वाले रेशियो से ही आप देख रहे हो कि आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचा है, तो आपका आंसर या तो ये 48 हो सकता है और नहीं तो क्या हो सकता है, 26 हो सकता है। तो मैं दूसरे वाले रेशियो की तरफ जाऊंगा। तो मुझे एक चीज और यहां से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बोला है 4 ईयर लेटर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 13:16, मतलब 4 साल के बाद क्या होना चाहिए, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या दिया हुआ है, जैसे पहला वाले का 48 है, 4 साल के बाद का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस करेंगे, कितना आ रहा है, ये 52, ये 13 का मल्टीपल है, आंसर हो सकता है। फिर भी आप दूसरे वाले को एक बार चेक कर लो, अगर आप इसमें 4 प्लस करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये 30 मिल रहा है, जो कि 13 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, ये 1। तो इस तरह से ऑप्शन इलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आप ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड आपको सीखना चाहिए। जैसे ये एक मिक्सर का प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ना, वैसे देयर इज अ मिक्सर ऑफ एप्पल ऑरेंज एंड मैंगो जूस इन द रेशियो ऑफ 3, 5 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि जो भी एप्पल जूस होगा वो क्या होगा, वो 3 का मल्टीपल होगा, ऑरेंज वाले का जो कंटेंट होगा क्या होगा, 5 का मल्टीपल, और मैंगो जूस का जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। और अगर हम सबको कंबाइन करके अगर लेते हैं, मतलब इनिशियल मिक्सर का अगर हम बात करेंगे, तो इनिशियल मिक्सर किसका मल्टीपल होगा, इसके सम का मल्टीपल होगा। इसका सम होगा कितना, यहाँ पे देखो 3 + 5 + 8 + 4 कितना हो गया, 12, ठीक है। इतना मैंने इतना पढ़ के समझ में आया मुझे, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा था कि क्वांटिटी ऑफ 12 लीटर फ्रॉम मिक्सर इज रिप्लेस्ड बाय 8 लीटर ऑफ एप्पल जूस, देयर आफ्टर द क्वांटिटी ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज जूस
इन द मिक्सर बिकम सेम, आपसे बोल रहे हैं फाइंड इनिशियल, फाइंड आउट इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इन अ वेसल, मुझसे पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इन द वेसल, और मुझे एक चीज पता है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर जो भी होना चाहिए वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 12 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं सॉल्व करने जाऊंगा, सिंपली पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि ऑप्शन यहाँ पे 76 है जो कि 12 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं होगा। 65 12 से नहीं जाता है, ये भी नहीं होगा। 60 ये 12 से जाता है, ये हो सकता है। ये 80 नहीं जाता है, इसका मतलब आपका आंसर कंफर्म कौन सा होगा, 60 होगा। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, आप बस देखते रहो। जैसे ये क्वेश्चन SBI में पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर का है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए मॉकटेल इज प्रिपेयर्ड बाय 28 लीटर ऑफ मैंगो जूस, 24 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस एंड 20 लीटर ऑफ रेसबेरी जूस, 27 लीटर ऑफ दिस मॉकटेल इज टेकन आउट एंड 2.5 लीटर ऑफ ईच प्योर मैंगो जूस एंड प्योर रेसबेरी जूस इज एडेड, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ मैंगो ऑरेंज एंड रेसबेरी जूस इन द फाइनल मिक्सर। मतलब इस बार मुझे क्या करना है, क्योंकि उसके पहले जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपसे इनिशियल रेशियो भी दे दिया था और आपसे फाइनल उसका पूछ रहा था कि वो क्या अमाउंट होगा, तो आपने सिंपली चेक कर लिया कि जो सम ऑफ द रेशियो से कौन सा वैल्यू डिविजिबल था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश की गई है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे ये भी बन जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मुझसे यहाँ पे पूछा है कि फाइनल मिक्सर में रेशियो कितना होगा, तो हम लोग एक बार जस्ट एक रफ आइडिया लेते हैं कि फाइनल मिक्सर होगा कितने का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहला वाला जो वैल्यू है वो क्या है, 28 लीटर आपका मैंगो जूस है, दूसरा 24 लीटर ऑरेंज जूस है और 20 लीटर क्या है आपका रेसबेरी जूस है। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा ये 72, ठीक है, 72 लीटर का कंटेंट है। और इसमें से क्या बोल रहा है कि 27 लीटर ऑफ द मिक्सर इज टेकन आउट, इसमें से क्या किया 27 लीटर निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद इतने पे ही नहीं रुक रहा है, उसके बाद भी क्या बोल रहा है एंड 2.5 लीटर ऑफ ईच प्योर मैंगो जूस एंड प्योर रेसबेरी जूस इज एडेड। मतलब क्या 2.5 लीटर मैंगो जूस का और 2.5 लीटर क्या रेसबेरी जूस का क्या इसमें ऐड कर दिया, मतलब टोटल कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि जो मेरा फाइनल मिक्सर बना वो कितने लीटर का बना। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 5 है तो मतलब -22 फाइनली आपको करना होगा। तो 72 से अगर हम 22 को माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 50 लीटर। तो मुझे एक चीज यहां से पता चल रहा है कि जो भी फाइनल मिक्सर होगा वो कितने का होगा, वो 50 लीटर का होगा। और आपको ये पूछ रहा है कि फाइनल मिक्सर में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो सिंपली मुझे एक चीज पता है कि जो भी रेशियो इसमें से होगा उसका जो सम होगा उससे क्या होना चाहिए, 50 डिविजिबल जाना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली हम लोग एक बार चेक करते हैं, जैसे मान लो अगर इसका आप सम करोगे तो कितना होगा, 4 + 6 = 10, 10 + 3 = 13, 13 से तो ये 50 डिविजिबल नहीं जाता है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। अगर आप इसको प्लस करोगे 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12, 12 से भी 50 नहीं जाता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर आप थर्ड वाले का बात करोगे 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, 9 से भी नहीं जाता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाला 4 + 3 = 7 + 1 = 8, 8 से भी ये नहीं जाता है, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, ये लास्ट वाला होगा, क्योंकि इसका सम देखो कितना है, 4 + 3 = 7, 7 + 3 = 10, जो कि क्या होता है जिससे ये 50 डिविजिबल चला जाता है। और इसका डिटेल मेथड आप हमारा मिक्सचर एलिगेशन का जो वीडियोज है वो भी हम लोगों ने अपलोड किया, अगर आप इसका डिटेल मेथड जानना चाहते हो तो वहां से कंसल्ट कर सकते हो। तो हम लोगों ने सीखा सम यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिले, वो भी लोग इस वीडियोस के हेल्प से कुछ कॉन्सेप्ट गेन कर पाए। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैंने रेशियो का जस्ट फर्स्ट पार्ट पढ़ाया आप लोगों को, और अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, प्लस प्रॉब्लम ऑन एजेस का जो है उसका वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसका अपडेट्स मिलता रहेगा और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।